हेलो एवरीवन, मैं आशीष वर्मा एंड आई फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट। अब देखिए, अभी तक हमने बहुत कुछ लिया, अब हम कुछ पिक्चर्स लेके चलते हैं जिसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन भी देनी है, क्योंकि ये तो है नहीं कि यार पिक्चर विदाउट डिस्क्रिप्शन होगी, विदाउट इंफॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने बॉडी ले ली, मेन का टैग ले लिया, एक हेडिंग वन ले ली जो इंफॉर्मेशन देगी, रोज ले ली। हमने यहाँ पर कॉलम्स क्रिएट किए हैं, ये हमने कॉलम्स हर एक कॉलम 25% का ले लिया है, ठीक है। कंटेंट्स जो भी जो मैटर लिख रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर वाइट होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मेन फाइल ले ली, मेन लोगो ले लिया और प्रॉफिट ले लिया। अब इस जगह के ऊपर जो मैंने ग्रीडिंग ली है, ग्रीडिंग के अंदर सबसे पहले हमने ये ले लिया, मेरे पास कुछ भी था, मैंने माउंटेंस था लेकिन मेरे पास माउंटेंस की पिक्चर नहीं है, तो मैंने कुछ भी आप ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अल्टरनेटिव है माय वर्क, उसके ऊपर जो भी कुछ आपको लिखना है आप इस पैराग्राफ के अंदर इजीली राइट कर सकते हैं। देन सेकंड आपने ले लिया, उसके अंदर पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तीसरी आपने ले ली, A4 ले लिया, उसकी भी डिस्क्रिप्शन आपने दे दी। नेक्स्ट ले ली, एक और आपने ले ली जिसके अंदर फिर आपने डिस्क्रिप्शन अपनी दे दी। अब मैंने जो ग्रेडिंग थी, जो कॉलम्स है, वो तो मैंने बंद कर दिए, जो चार पिक्चर्स ली थी। अब मैं एक पिक्चर और लूँगा जो सबसे नीचे आएगी, थोड़ी सी साइज में बड़ा होगा, तो तभी मैंने यहाँ पर लिखा है एंड ऑफ द ग्रेड। ऊपर देखे जब आप काम देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक ग्रेड शुरू की हुई है, एक कमेंट है जिसे कोई अल्टरनेटिव नहीं, आप लो या ना लो, हाँ बस रिमेम्बरेंस के लिए आप ले सकते हो, इट्स बेटर। अब नीचे हमने पिक्चर और ले ली जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दे दी, फाइल वही है, ऑल्टरनेटिव है, विड्थ है, पिक्चर छोटी ले सकते हो, बड़ी ले सकते हो, राइट। अब मैं अभी मेन फाइल पे गया, देखिए मेन फाइल पे जाते आपको सारी यहाँ पर सारी फाइल्स आपको नजर आ, मेरी पहली फाइल, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाँ देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है, ये तो मेरी ग्रीडिंग में थी। अब नीचे आऊँगा जो मेरी ये लास्ट वन है, देखिए यहाँ पर जो मैटर लिखा आ रहा है, अब मैं थोड़ा सा मैटर भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये कई बार क्या होता है कि हम अपने जो वेब पेज बना रहे हैं उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए नॉर्मल पिक्चर्स हर पे लगा लेते हैं, अगर आप अट्रैक्टिव मोड के अंदर लगाएंगे हर पे प्रेस करेगा दैट्स गुड, अदरवाइज हर पे स्किप मार के चला जाएगा। कुछ यूनिक आइडिया लीजिए, यूनिक काम कीजिए। हाँ अब मैं लेके चल रहा था, देखिए बॉडी है, बॉडी की जो बैकग्राउंड है मैंने ब्लू ली, कंट्रोल एस ये लीजिए, हो गया आई थिंक सो। चलिए अब और चीज़ चेंज करते हैं, अब मेरे पास जो मैटर लिखा है, मैं आपको कंटेंट्स की बात करूं, देखिए जो कंटेंट्स ये वाले हैं, दस वन है, ये कहाँ पे हैं, अब आप मुझे बताएंगे, ये आपके सामने पूरी मेरी एक फाइल पड़ी हुई है, ये देखिए ये तो बॉडी हो गई, ये आपका सेंटर, ये हेडिंग वन जो पर आपका मैटर लिखा आ रहा है, ये रो एंड कॉलम की पोजीशन, ये आपकी ग्रेडिंग, दस वन कंटेंट्स, ये देखिए मुझे कंटेंट्स का बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए, हो गया, चेक करें, ये लीजिए हो गया। अगर आप ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं तो कीजिए, वरना सिंपल तो मैं फिर वही कहा हर कोई कर लेते हैं, आपके टैग्स को इसीलिए हम जज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने कोई रट्टा नहीं मारा हुआ, कोई प्री डिफाइंड नहीं है, प्री क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ आपको चेंज करने को, पिक्चर चेंज करने को हूँ, तो आप डायरेक्टली टैग यहाँ पहुँचाएगा आपका, अगर आप कंटेंट्स के बारे में आते हैं तो आप कंटेंट्स यहाँ पर चेंज करेंगे, पिक्चर की विड्थ यहाँ से चेंज करेंगे, ऊपर स्क्रीन वहाँ से चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, सेंटर में लाना है कहाँ पे लाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं आपसे और आप नहीं कर सकते तो इसमें से आपने कैसे कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो जस्ट रिमेंबर इट एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय बाय।